हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। जैसा कि आप बोर्ड के देख पा रहे हैं, हमने SD कर्व लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम बेसिकली आज की वीडियो में दो टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहती है, जिसमें आती है रिहोबेस एंड क्रोनेक्सी। जब भी इलेक्ट्रोथेरेपी का पेपर होता है, उसमें ये दोनों टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और वाइवा वो उसके अंदर भी रिहोबेस और क्रोनेक्सी के बारे में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में रहता है, वो इन्हीं दो टर्मिनोलॉजीज़ को लेके लेता है, क्योंकि इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को जब आप बुक से पढ़ते हैं, तो किताबी लैंग्वेज में इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा गया है, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर ही कन्फ्यूज़न में रहते हैं, और उनको कई सारे डाउट्स रहते हैं, जिस वजह से वो लोग SD कर्व ढंग से प्लॉट नहीं कर पाते, और SD कर्व को समझने में उन लोगों को दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम सिंप्लीफाई करेंगे व्हाट इज़ रिहोबेस एंड व्हाट इज़ क्रोनेक्सी, इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो आप सब्सक्राइब बटन दबा लें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो में जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे रिहोबेस को, मगर रिहोबेस और क्रोनेक्सी को समझें, उससे पहले हम जानते हैं कि ये दोनों टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देखिए, जब भी आप SD कर्व प्लॉट करते हैं, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व जब भी आप प्लॉट करेंगे, तो उसमें इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आएगा रिहोबेस और क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी इज़ द टाइम एंड रिहोबेस इज़ द स्टिमुलस। तो कई बार इसको जब आप किताबों से पढ़ते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी रहती है, तो उसको आज की वीडियो में हम बेसिकली सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं हमारी पहली टर्मिनोलॉजीज की तरफ, जो कि है रिहोबेस। देखिए, रिहोबेस क्या है? इट इज़ स्मॉलेस्ट करंट डेट विल प्रोड्यूस अ मसल कॉन्ट्रेक्शन इफ द स्टिमुलस इज ऑन इन्फेनाइट ड्यूरेशन। रिहोबेस एक ऐसा मिनिमम करंट है जो कि मसल कॉन्ट्रेक्शन को प्रोड्यूस कर सकता है, अगर उसे इन्फेनाइट ड्यूरेशन तक अप्लाई किया जाए। मतलब इट इज़ द स्मॉलेस्ट करंट डेट विल प्रोड्यूस द मसल कॉन्ट्रेक्शन। रिहोबेस इज द स्टिमुलस। और क्रोनेक्सी की अगर हम बात करें, तो क्रोनेक्सी इज़ द लेंथ ऑफ ड्यूरेशन, कि कितने लेंथ ऑफ ड्यूरेशन में वो स्टिमुलस आया है। तो बेसिकली रिहोबेस को अगर हम पहले समझते हैं, तो रिहोबेस इज द स्मॉलेस्ट करंट डेट विल प्रोड्यूस द मसल कॉन्ट्रेक्शन इफ द स्टिमुलस इज अप्लाइड ऑन एडिक्वेट टाइम। तो अगर एडिक्वेट टाइम तक किसी स्टिमुलस को अप्लाई किया जाए, किसी मिनिमम करंट को अप्लाई किया जाए, तो वो मसल कॉन्ट्रेक्शन को प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ रिहोबेस। अब रिहोबेस अलग अलग मसल्स का अलग अलग होगा, क्यों? क्योंकि रिहोबेस डिपेंड करता है स्किन के रेजिस्टेंस पे, स्किन के टेम्परेचर पे। तो हर मसल का अलग रेजिस्टेंस होगा और अलग टेम्परेचर होगा, तो रिहोबेस हर मसल का अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से रिहोबेस भी अलग अलग होगा। अगर हम बात करें डिनर्वेटेड रिहोबेस के बारे में और इनर्वेटेड मसल्स के रिहोबेस को अगर हम कंपेयर करें, तो डिनर्वेटेड मसल का रिहोबेस कम होता है एज़ कम्पेयर टू इनर्वेटेड मसल। अब बात करते हैं क्रोनेक्सी क्या है। देखिए, क्रोनेक्सी इज़ द शॉर्टेस्ट इम्पल्स that will produce the response with current of double the rehobase. It is the duration of shortest impulse that will produce the response with current double the rehobase. ये किताबी लैंग्वेज है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ आपको कि स्टिमुलस एक रिहोबेस जितने टाइम में प्रोड्यूस करता है, उतना ही रिस्पॉन्स दो रिहोबेस कितने टाइम में प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ क्रोनेक्सी। एक बार फिर से, कि जितना स्टिमुलस जितना रिस्पॉन्स एक रिहोबेस जितने टाइम में प्रोड्यूस करता है, दो रिहोबेस कितने टाइम में वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ क्रोनेक्सी। तो बेसिकली रिहोबेस इज़ द स्टिमुलस एंड क्रोनेक्सी इज़ द लेंथ ऑफ ड्यूरेशन। तो कई बार वाइवा वोस के अंदर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि रिहोबेस क्या है, क्रोनेक्सी क्या है। तो आपको अगर ये दोनों चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आप इसको बता पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, और जब आप SD कर्व प्लॉट करते हैं, तो उसमें भी आपको क्रोनेक्सी टाइम को मेंशन करना पड़ता है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम SD कर्व को भी समझाएंगे। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व पे भी एक वीडियो बनाएं, तो आप अपनी वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। और क्या आपको रिहोबेस और क्रोनेक्सी पहले से पता था, वो भी आपको हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और रिहोबेस और क्रोनेक्सी के बारे में और क्या क्या बातें आप जानते हैं, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया है रिहोबेस और क्रोनेक्सी के बारे में।
आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।